सवेरा हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बताती है दैट दीस कंपनीज हैव पेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान की मार्केट को टारगेट करने के लिए। लगता है पीसीबी को इस चीज को यहीं पे रोकना होगा। बिल्कुल रोकना पड़ेगा। और अभी जैसे वुमेन आईपीएल का आगाज हुआ तो मेजरली उस पे एक बीसीसीआई ने पूरी एक पॉलिसी निकाली और एक गैम्बलिंग सेक्टर्स जो हैं वो वुमेन आईपीएल में टीम्स को स्पॉन्सर करते हुए नहा देखे। इलीगल चीज है, इलीगल है, नहीं हमारे दीन में नहीं है, हमारे कानून में नहीं है। फ्रेंचाइज ओनर्स को मैंने मना किया, मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं खेलूं तो इसको मैंने कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज पर मैं वापस चला जाता हूं पाकिस्तान। हमारा इस्लामिक मुल्क है, हम इस्लामिक स्टेट है हमारी, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अल्लाह नाराज हो। और आप उठा के देख ले पूरी सवेरा अदील, आप पूरे कायनात के जितने भी ममालिक हैं चाहे वो मुसलमान नहीं है, अगर वो सूद का काम नहीं करते, इंटरेस्ट का काम नहीं करते, वहां पर रिसेशन आती नहीं है। इवन इमाम को भी ये चीज नहीं पता था। तो डेफिनेटली मैं इस चीज पे 100% श्योर हूं कि काफी प्लेयर्स जो इस वक्त पीएसएल में खेल रहे हैं, मैं मोहम्मद रिजवान की मिसाल देना चाहूंगी कि मुझे लगता है उनको भी ये चीज नहीं पता होगी कि जिस चीज का उन्होंने लोगो लगाया हुआ है वो एक्चुअली किस चीज की कंपनी है। हम मुसलमान है अल्लाह का शुक्र है, और हमारे जितने भी मुसलमान लड़के हैं वो दुनिया में कहीं भी जाते हैं क्रिकेट खेलने, अगर उनको पता हो अल्कोहल का या कोई ऐसी चीज है जो हमारे इस्लाम में हमारे मजहब में नहीं जायज, तो हम वो लड़के हमारे बहुत कोशिश करके भूल के पुल के पैसों को परे करके वो अपने अपने दीन को सामने रखते हैं, अल्लाह को सामने रखते हैं। दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया पीएसएल में चल रहा है बैटिंग एप्स का प्रचार, जिससे कि शाहिद अशरफ बोले कि इंडिया में जो भी मैच होते हैं उसमें अभी तक के आप लोगों ने जितने भी मैच देखे जैसे कि वुमेन्स वाला उसमें भी आप लोगों ने देखा कि बैटिंग ऐप्स का प्रचार नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में उल्टा ही चल रहा है जिसमें कि बैटिंग ऐप्स जो है पाकिस्तान को खूब सारा पैसा दे रही है, जिससे कि वह अपने टीम पर वो बैटिंग ऐप्स का लोगो चिपकाया जा रहा है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि इस्लाम में इसको मना किया जाता है कि ये सब बैटिंग वैटिंग करना एकदम बेकार चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान की मीडिया यह कह रही है कि मतलब ये जो बैटिंग ऐप्स का जो प्रचार चल रहा है इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलत ही है एक प्रकार से, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मतलब तो यहाँ पर पीएसएल को बोला जा रहा है कि एक पॉलिसी निकाली जाए कि मतलब जो गैम्बलिंग ऐप्स है इसको प्रचार करने के लिए बंद किया जाए। तो इसमें पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको ये नहीं पता होगा कि ये चीज़ें मतलब इस्लाम में नहीं की जाती है, ये बाकी बहुत से क्रिकेटर्स ने मना कर दिया कि ये इसको नहीं लगाना चाहिए। बैटिंग ऐप्स के खिलाफ पूरी की पूरी पाकिस्तान मीडिया हो चुकी है, जिससे कि पाकिस्तान की मीडिया ये मांग कर रही है कि बैटिंग ऐप जितनी भी है सारी की सारी प्लेयर्स की टी शर्ट में लगाई जा रही है, ये इसको हटा देना चाहिए क्योंकि इससे अपने इस्लाम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ये सब चीज़ें इस्लाम में मना की जाती है कि ये सब नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी इंडिया में ये जो सारी ऐप्स है इसको बैन कर दिया गया है, लेकिन यहीं पे पाकिस्तान इसको जब आके प्रमोट कर रहा है, जिससे कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान की आवाम को, जिससे कि ये बैटिंग ऐप्स जो है इसको प्रमोट करने से कोई भी मतलब इससे किसी का भी नुकसान होना ही नहीं चाहिए, ऐसा मतलब पाकिस्तान की मीडिया कह रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो मीडिया ये भी कह रही है कि पाकिस्तान में जितने भी जो टी शर्ट पे लगाए जा रहे हैं सब मतलब इस्लाम के खिलाफ ही है। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं हमारी लीग और बहुत ज़्यादा जो है उसको किया जाता है, उसको हम सब बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, हमारे यंगस्टर्स फॉलो करते हैं, बट जब कुछ चीज़ें उसमें ऐसी आ जाती हैं जो लगता ऐसा है कि डेविएट हो रही हैं कई, या कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो अकॉर्डिंग टू आर पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू आर कंट्रीज पॉलिसीज़ उसके अगेंस्ट जाती हैं, तो एक अजीब सा एक धचका लगता है कि कैसे ये चीज यहाँ हो रही है इस प्लेटफॉर्म। उसकी बहुत बड़ी रीजन ये जैसे कि मैंने अभी बताया कि दिस लीग इज वेरी क्लोज टू आर हार्ट, ये हमारी वेरी सक्सेसफुल रीसेंट टाइम में पाकिस्तानी ब्रांड आई है, लेकिन इस साल जो लोगों ने एक चीज नोट की पाकिस्तान सुपर लीग में वो कुछ नई ब्रांड्स नेम का धावा था और कुछ नई ब्रांड्स नेम थी जिनके बारे में लोग जानते नहीं थे, जनरली लोगों को पता नहीं था, उन्होंने सुना नहीं था, थोड़ा बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन स्पेलिंग को चेंज करके इस तरह बताया जा रहा था कि ये कोई और बिजनेस है, कोई न्यूज वेबसाइट है, कोई क्रिकेटिंग गुड्स भेज रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आउट ऑफ द 6 फ्रेंचाइज आई थिंक 4 हैव गॉट दीज ऑन देयर शर्ट, दीज आर एक्चुअली जो कंपनियां हैं इनका जो कोर बिजनेस है वो बेटिंग है, यानी जुआ खेलना है। नाउ वेस्ट में ये लीगल है स्पोर्ट्स में बेटिंग, जो लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग देखते हैं, यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं, उन्हें ये बात पता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी टीमों को स्पॉन्सर ये बेटिंग वेबसाइट्स करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये गैर कानूनी है, पाकिस्तान में ये जुर्म है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मेन रेगुलेटर है, मॉनिटरी रेगुलेटर, वो एक्शन में आया है। 8 मार्च को उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिख के उनको ये बताया है कि इस तरह की एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। वेल फॉर आर्ग्यूमेंट सेक वन कुड से पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान
काफी पहले एक्शन में इसमें आ सकता था. दे वेटेड वेटेड एंड दे वेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. लेकिन वी नो कि एक ब्यूरोक्रेटिक एनवायरमेंट है एंड ऑल. बट सवेरा हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बताती है दैट दीस कंपनीज हैव पेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान की मार्केट को टारगेट करने के लिए फॉर समथिंग विच इज नॉट जस्ट अनएथिकल, इट इज इल. कल को कोई अल्कोहल की कंपनी आके, कोई शराब की कंपनी आके अपनी एक म्यूजिक म्यूजिक के जो है वो एक सीरीज निकाल के किसी और नाम से करना शुरू कर देगी. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर दे सेलिंग? दे आर सेलिंग समथिंग इलीगल. अभी लाला ने भी जो लेजेंड्स लीग हो रही थी उसमें वो कमीज पे गालबन कवर कर लिया था जिसपे एक कंपनी का नाम आ रहा था, आई डोंट रिकॉल द नेम, लेकिन ये आ रहा था इस तरह. तो मैं जरा लोटस गालबन जी, तो मैं जरा हमारे इस पैनल का जो बड़ा हमारा नॉलेजेबल पैनल है जाहिर है उनसे भी मैं ये बात करना चाहूंगा. लाला मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ. आपने क्योंकि एक एग्जाम्पल खुद क्रिएट की इस तरह की किसी भी चीज़ को प्रमोट ना करने का, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता था कि ये क्या बिजनेस है, क्या चीज़ें, मोहतात तो रहना चाहिए था. लाला आपको मेरा सवाल पहुंचा था? आपकी हाँ जी, आपकी कंपनीज वगैरह के हवाले से लीगल और बैटिंग के हवाले से बात कर रहा था. लाला मैं आपको ये बता रहा था कि आपने भी अभी लेजेंड्स लीग में आप जब खेल रहे थे तो उस कंपनी पे आपने भी कवर कर लिया था. मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आई थिंक इसका मोहतात रहना चाहिए था, बिकॉज सबको पता है कि ये पीछे क्या बिजनेस था, क्या सिलसिला था. ऑनेस्टली स्पीकिंग लाला, मैं जो रेडियो कॉमेंट्री भी सुन रहा हूँ उसमें उनमें से एक कंपनी का एड आ रहा होता है एंड इट इज ऑब्वियस कि वो आपको क्या करवाना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे एक गलती तो हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से. लाला आपका क्या कमेंट? आई थिंक इनलीगल चीज इनलीगल है, और जहां तक आप मेरी बात कर रहे हैं हर इंसान के अपने उस पे डिपेंड करता है. मैं मेरे जब शर्ट पे था तो मैंने इसकी जरा डेप्थ में गया, जरा सर्च किया वेबसाइट पे जाके, तो उसके अंदर गैम्बलिंग वगैरह बहुत सारी चीजें थी तो मुझे मुनासिब नहीं लगी वो चीज, और मैंने टीम ओनर्स को फ्रेंचाइज ओनर्स को मैंने मना किया. मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं खेलूं तो इसको मैंने कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज पर मैं वापस चला जाता हूं पाकिस्तान. तो खैर उन्होंने बात मानी, कह रहे हैं ठीक है आप कर लें कवर. तो बस जहां तक मेरी बात है वो कुछ इस तरह के है. बाकी जो इलीगल चीज, जैसे कि आप लोगों ने वीडियोस में देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान की मीडिया कितना ज़्यादा खिलाफ है बैटिंग ऐप्स के, तो इसको जल्द से जल्द रोकने की मांग की जा रही है पाकिस्तान मीडिया की तरफ से, जिससे कि ये जो बेकार सा मतलब प्रचार चल रहा है जिससे कि इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस्लाम का. तो पाकिस्तान की मीडिया जो भी है कह रही है कि पाकिस्तान में जितने भी PSL में जो भी मैच चल रहे हैं उसमें ये सबको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमें तो इंडिया से सीखना चाहिए, ऐसे मतलब पाकिस्तान की मीडिया कह रही है. क्योंकि जितना भी अभी हमारा वुमेन्स क्रिकेट मैच चल रहा था जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक प्रचार किया, लेकिन वहाँ पर ऐसे बैटिंग ऐप्स का कोई भी प्रचार नहीं हुआ, और वहाँ पर BCI ने मतलब रूल रेगुलेशन भी बनाए कि बैटिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्या प्रमोट करना चाहिए और क्या नहीं. और यहाँ पर भाई पूरा ही अलग चल रहा है PSL में. तो पाकिस्तान की मीडिया इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान और चिंता में आ गई है, और इसको पाकिस्तान की मीडिया बहुत जल्दी से जल्दी इसको हटाने की मांग की जा रही है. और कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे कुछ ऐसा नुकसान नहीं होने वाला है, ऐसा मतलब कोई भारी नुकसान नहीं हो रहा है और ऐसा कुछ बेकार चीज़ें प्रमोट नहीं की जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पाकिस्तान की मीडिया के खिलाफ ये बोला जा रहा है.